आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारी YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कथा सुनेंगे जिसे सुनने सुनाने से भगवान उसी रूप में दिखते हैं जिस भाव से हम उन्हें देखना चाहते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक बार एक पंडित जी थे। वे घर घर जाकर भगवत कथाएं किया करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन पंडित जी कथा करके अपने घर की ओर आ रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, पंडित जी, जो कुछ आपके पास है मुझे दे दो। पंडित जी बोले, बेटा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। मैं तो खुद घर घर जाकर कथाएं करता हूं और अपनी जीविका चलाता हूं। तुम ऐसा करना, कल जहां मैं कथा करता हूं वहां आ जाना। वहां जो मेरे यजमान हैं वे बहुत धनवान हैं। जब मैं वहां कथा सुनाऊंगा तब तुम उनके घर चोरी कर लेना। जब इस प्रकार ब्राह्मण देव ने विनती की तो चोर मान गया और चला गया। अगले दिन वह चोर उस घर में पहुंच गया जहां पंडित जी कथा सुना रहे थे। जैसे ही चोर ने उस घर में प्रवेश किया तो उसके कानों में कथा कह रहे पंडित जी के शब्द पड़े, जो बोल रहे थे कि उसका नाम गोपाल है। वह इस संसार का और उस संसार का सबसे अमीर बालक है। यहाँ से कोसों मील दूर वृंदावन नाम का एक गांव है। वहाँ पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे वह हर रोज रात को आता है। हीरे मोतियों के गहनों से लदा वह वहाँ मधुर मुरली बजाता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसे लूटे। जिसने उसे लूट लिया समझो सबको लूट लिया और अपने जन्म जन्म की दरिद्रता को दूर कर लिया। चोर ने जब ये सुना तो वह खुशी खुशी वहाँ से यह सोचकर चला गया कि अब लूटेगा तो उसी गोपाल को लूटेगा। घर पहुँचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला, आज मुझे एक ऐसे बालक का पता मिला है जिसे मैंने लूट लिया तो हमारे जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाएगी। वह बहुत अमीर बालक है। ऐसा बोलकर उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं जाता हूँ, तू रास्ते में मेरे खाने के लिए कुछ पान दे। घर में जो थोड़ा बहुत भोजन था उसकी पत्नी ने उसे दे दिया और कहा, धन लेकर ही वापिस आना, अब ये गरीबी का जीवन नहीं जिया जाता। अपनी पत्नी को आश्वासन दे और मन में गोपाल को लूटने का दृढ़ संकल्प कर वह चोर घर से चल पड़ा। रास्ता लंबा था परंतु मन का संकल्प दृढ़ था, इसलिए गोपाल गोपाल कहता हुआ चलता रहा। अगले दिन संध्या के समय ठीक उसी स्थान पर पहुंच गया जहां का पता पंडित जी ने बताया था। और जैसे ही रात होने लगी वह पीपल के पेड़ के सामने लगी हुई झाड़ियों में यह सोचकर छिप गया कि कहीं उसे देखकर वह बालक आए ही नहीं। और जैसे ही वह झाड़ियों में छुपा तो झाड़ियों में लगे कांटे उसके शरीर में चुभ गए
और वह दर्द से करहाने लगा और बोला, गोपाल आ जाओ, बहुत देर हो चुकी है, अब तो आ जाओ गोपाल। पंडित जी ने कहा था, यदि मैंने तुम्हें लूट लिया तो मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता मिट जाएगी, आ जाओ गोपाल आ जाओ। उसके शरीर से रक्त बहने लगा, पर वह अपने संकल्प से नहीं हटा और गोपाल गोपाल पुकारता रहा। आखिर भगवान कब तक रुकते, उन्हें आना पड़ा। जैसे ही भगवान चलने को तैयार हुए तो रुक्मिणी जी ने उन्हें टोका, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, मेरा भक्त मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना होगा। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु अगर आप वहाँ गए तो वह आपको लूट लेगा। भगवान बोले, रुक्मिणी मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए लूटने को भी तैयार हूँ। और भगवान बालक का रूप धरकर हीरे मोतियों के गहने पहनकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। जैसे ही चोर ने उन्हें देखा, वह बाहर निकल आया और उस बालक को पकड़ते हुए बोला, गोपाल ओ गोपाल रुक जा, कितनी देर से छुपा हुआ मैं तेरी बाट जोह रहा था, देख मेरी हालत कैसी हो गई है, मेरा सारा शरीर घायल हो गया है, लेकिन अब तू मेरे हाथ आ गया है, अब तुझे लूटे बिना मैं वापस नहीं जाने वाला, तेरे ये हीरे मोतियों के गहने मुझे दे दे। बालक रूपधारी भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने सारे गहने उसके हवाले कर दिए, जिन्हें लेकर वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया और अगले दिन उन्हीं पंडित जी के पास पहुंच गया जिन्होंने उसे गोपाल का पता बताया था। चोर ने लूटे हुए गहनों में से आधे गहने पंडित जी के चरणों में रख दिए। गहने देखकर पंडित जी ने पूछा, ये सब क्या है? चोर ने कहा, पंडित जी ये सब गहने उसी गोपाल के हैं जिसका पता आपने मुझे बताया था, मैं उसे लूट कर आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। यह सब सुनकर पंडित जी हैरान रह गए, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। वह बोले, मैं इतने समय से उनकी कथाएं कर रहा हूँ, मुझे वो आज तक नहीं मिले, तो तुझ चोर को कहाँ से मिल गए? जब चोर ने बार बार एक ही बात को दोहराया तो पंडित जी बोले, चलो मुझे भी लेकर चलो, और दोनों चल पड़े वृंदावन की ओर। अगले दिन उसी स्थान पर पहुंच गए और जाकर झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही झाड़ियों में छिपे, दोनों का शरीर कांटों के कारण जख्मी हो गया और दर्द से दोनों पुकारने लगे, आ जाओ गोपाल आ जाओ। ठीक आधी रात के समय भगवान फिर से बालक रूप में वहां प्रकट हो गए, जिसे देख दोनों बाहर निकल आए और उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। उन्हें दर्शन दे बालक रूपधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब पंडित जी ने चोर से कहा, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी लगन, जिसके लिए हर कोई लूटने को तैयार है, तुमने उसे ही लूट लिया, तुम्हारे ही कारण मुझे आज प्रभु दर्शन हुए हैं। ऐसा कहते हुए पंडित जी रोते रोते उसके चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार बंधुओं भगवान भाव से मिलते हैं, जैसी जिसकी भावना होती है परमात्मा उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। जो भगवान को सच्चे दिल से पुकारते हैं उनके लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। एक बार दिल से पुकारिए और कहिए राधे राधे।